हेलो गाइस, दिस इज विजय फॉर टेक विद विजय। आज हम बात करने वाले हैं फिर से नए टेक न्यूज़ के बारे में। सेक्शन है इन द न्यूज़, लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले न्यूज़ निकल के आती है वीवो के Y50 को लेके, जो कि लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर स्नैपड्रैगन 665 के अपने स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ। 8 GB का रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको इस फ़ोन के अंदर मिल जाती है। एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड इसका UI है, जिसे ये कहते हैं फन टच OS 10। तो फन टच OS 10 के साथ ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। अब फ़ोन की कीमत है तकरीबन 18,000 रुपये, 17,990 रुपये, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगा सारे स्टोर्स पे और टाटा क्लिक के ऊपर भी। तो अगर आपको मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर अगर बनना है तो टाटा क्लिक प्रेफर करें। तो अगली न्यूज़ निकल के आती है सैमसंग की तरफ से आने वाली। सैमसंग ने लॉन्च कर दिया अपना नया टैबलेट, जिसका नाम है टैब S6 Lite, जो कि एस पेन के साथ लॉन्च हुआ है। कीमत है इसकी 27,990। फ़ोन के इस टैबलेट के अंदर एग्जैक्टली कौन सा प्रोसेसर है ये कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं करा है, और आई थिंक के इसके अंदर वही प्रोसेसर होने वाला है एग्जीनॉस का 9611। वाईफाई के वेरिएंट की कीमत है 27,900, और उसके ऊपर जो वेरिएंट आपको मिलेगा LTE सपोर्ट वाला वो जाएगा तकरीबन 32,000 की प्राइस रेंज पे। फ़ोन की इस टैबलेट की, माफ़ कीजिएगा, साइज़ है 10.4 इंचेस। डॉल्बी का एटमॉस वाला सपोर्ट आपको मिल जाता है, और इसके स्पीकर जो हैं वो ट्यून करे गए हैं AKG की तरफ से। और इसके साथ एक ऑफ़र भी चालू है, जिसके अंदर आप 3,000 एक्स्ट्रा पे करके गैलेक्सी बड प्लस, जिनकी कीमत है 12,000 रुपये, इनको ऑन कर सकते हो, या फिर आप 2,500 रुपये अलग से दे के इसका कवर ले सकते हो। तो अगली न्यूज़ निकल के आती है ओप्पो के 12 को लेके। MediaTek के हेलियो P35 के चिपसेट के साथ यह लॉन्च हो चुका है। बैटरी इसके अंदर 4230 mAh का, और जैसे कि आपको पता चल गया होगा प्रोसेसर के नाम को सुनकर कि एक मिड रेंज सा प्रोसेसर होने वाला है। तो 4 GB का, 3 GB का वेरिएंट जो होगा वो आएगा 9,090 की कीमत पे, और जो 4 GB का वेरिएंट होगा वो आएगा 11,490 रुपये में। तो आज के लिए बस इतना ही। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और आप जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। See you in the next one.